हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। दिए की जली बत्ती कई मुश्किलों से दे सकती है छुटकारा। फेंकने के बजाय आज ही अपनाएं ये अचूक उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन से ये उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी घर के मंदिर में जले दिए की बत्ती को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल इस जली बत्ती से एक नहीं बल्कि कई समस्याओं का हल निकल सकता है। आइए ज्योतिष शास्त्र के जरिए जली बत्ती के इन अचूक उपायों के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पूजा के समय दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है, जिससे कि घर में सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। लेकिन हम में से कई लोग दीपक जलाने के बाद उसकी जली बत्ती को फेंक देते हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक के बुझने के बाद उसकी जली बत्ती को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि इस जली बत्ती का क्या करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा करने के बाद दीपक में जली बत्ती बच जाए तो इसे एक कपड़े में बांध कर रखते जाएं। जब यह इकट्ठा हो जाए तो इस कपड़े को बांध कर नदी में प्रवाहित कर दें। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में जली दीपक की बत्ती के इस खास उपाय से ग्रह दोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके लिए कभी भी बची हुई जली बत्ती को कचड़े में ना फेंकें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जली हुई बत्ती को किसी पेड़ के नीचे दबा कर रख सकते हैं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही किसी भी प्रकार के कर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। यदि व्यक्ति अपने दुश्मन से किसी भी प्रकार से परेशान है तो जली बत्ती को मुट्ठी में लेकर उसका नाम लें और फिर इस बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। यदि व्यक्ति इस जली बत्ती को मिट्टी के अंदर दबा दे तो उसे किसी भी प्रकार की धन हानि से छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रखें कि मिट्टी में दबाते समय शनि मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।